देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी पूरी तरह कश्मीर से खत्म करेंगे। मगर दोस्तों, अमित शाह कॉमेडियन भी है, हमें पता नहीं था। भाषण देते देते 2023 में पहुंच गए। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। तेलंगाना से बड़ी खबर, वहां के सीएम केसीआर राव ने नेशनल पार्टी लॉन्च की। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति को किया भारत राष्ट्र समिति। जी हां दोस्तों, बीआरएस के नाम से बनाई गई पार्टी से अब केसीआर राव इलेक्शन में भाग लेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी हैज कंडक्टेड इट्स जनरल बॉडी मीटिंग ऑन 5/10/2022 एट इट्स पार्टी हेडक्वार्टर्स एट हैदराबाद। द पार्टी जनरल बॉडी मीटिंग unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It is used to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. दशहरा मनाते वक्त हरियाणा के यमुनानगर में हुआ एक हादसा। अच्छी बात ये है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रावण को जलाते वक्त आग से रावण का पुतला टूटकर नीचे गिर गया, तभी वहां के लोग डर कर भागने लगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए।